नीरज तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो ना यार, बहुत मुश्किल है असाइनमेंट, और पता है 1 अक्टूबर को लास्ट डेट है। अभी ये जो तुम बिल्ली जैसी शक्लें बना लेती हो ना, ठीक है मैं सुबह आऊंगी ना, बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, बाय। तुमने सोचा है कुछ कि किस तरह की कैदी का इंटरव्यू करना है? कोई भी मिल जाए यार, मुझे तो अपना असाइनमेंट अच्छा बनाना है। ऐसे नहीं बन जाएगा अच्छा असाइनमेंट, पहले तुम अपना माइंड तो सेट करो कि तुम अपने इंटरव्यू में बताना क्या चाहती हो। इतने डिटेल में कौन जाएगा यार? तुम जाओगी और कौन जाएगा? तुम्हें पता है ना सेंट्रल जेल में कैसे टेढ़े मेढ़े पुलिस वाले होते हैं। तो मैं कौन सा अकेले जाऊंगी यार, तुम भी तो मेरे साथ जाओगी। प्लीज प्लीज यार मेरे साथ चलो ना, प्लीज। थैंक यू यार, परमिशन लेटर मैंने तैयार कर लिया था, तुम एक बार इसको पढ़ लेना, मैं फिर प्रिंट करवा कर तुम्हें दे दूंगी। यार कसम से ये मास कम्युनिकेशन भी ना पहली बार इतना मुश्किल लग रहा है। बच्चों ये तो कुछ भी नहीं है, जब पूरा प्रोजेक्ट करोगी ना जब पता चलेगा तुम्हें। वैसे बताओ मुझे इसकी ट्रीट कहाँ दोगी? यार वो तो देख लेंगे ना, जब तक तू मेरे साथ है ना तो किसी बात की टेंशन नहीं है। अच्छा इस बार मैं ट्रीट एरिया 51 में लूंगी जनाब। डन है। कैदी कौन है, कत्ल किसका किया है और केस क्या है? पता नहीं यार, भाई ने करवाया, मेरी फोन पर बात हुई थी उनसे, कहते बहुत इंटरेस्टिंग केस है। चल बोए, मुलाकात आई तेरी, उठ। छपेगा मैडम जी, घबराने की जरूरत नहीं है, इसने 2 लड़कियों का कत्ल किया है। ओए मैडम जी, जो पूछे ना सही से जवाब दियो। भाई मैं तो जा रही हूँ, कहीं ये जेल ही ना तोड़ दे। अरे रुको, अभी आए तो इंटरव्यू लेके जाएंगे। ये तो कुछ भूल ही नहीं रहा, मुझे लगता है इसको कुछ याद आ रहा है जिसकी वजह से इसको गुस्सा आ रहा है। पर हम बात कैसे शुरू करें? रुको जरा इसको समझने दो। अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुर्तजा है। देखिए मुर्तजा, हम जानते हैं कि आपने उन दोनों लड़कियों को मारा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उन दोनों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। मगर हम ये जानना चाहते हैं कि उन दोनों ने आपके साथ ऐसा क्या क्या किया है। आपको हमारी शक्लें देख के इतना गुस्सा क्यों आया? क्या हमारी शक्लें उन दोनों लड़कियों से मिलती हैं? कब से हैं आप यहाँ पर? 6 माह से। क्या काम करते थे आप पहले? गोल्ड का बिजनेस था। कितने बहन भाई हैं आपके? कोई नहीं। और कहाँ तक पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था।
कौन सी यूनिवर्सिटी से? एनईडी। हमें हैरानी है, आप माशाल्लाह से इतने पढ़े लिखे हैं, फिर आपने उनकी जान क्यों ली? 6 माह पहले मेरे भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत प्यार दिया। उनके ज्यादा प्यार की वजह से मुझ में एतमाद की बहुत कमी पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, माशाल्लाह तुमने पोजीशन ली है, अब आगे क्या करने का इरादा है? जो अम्मी कहेंगी। अरे बेटा, तुमने खुद भी तो कुछ सोचा होगा ना, जो तुम करना चाहते हो वो बताओ। भाई मुर्तजा, मैं तो कहती हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर दो, ठीक है? पोजीशन ली है भाई, एनईडी में एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है अम्मी। अरे भाई, इसे खुद भी कुछ करने दिया करो, हर बात अपनी मत मुसलत किया करो इस पे। भाई मेरा बेटा है और मैं समझती हूँ कि वो क्या करना चाहता है, और वैसे भी आजकल इंजीनियरिंग में बड़ा स्कोप है। अबू, अम्मी ठीक कह रही हैं। अम्मी मैं फॉर्म्स ले आऊँगा। हाँ बेटा ठीक है, अगर तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं तो मैं भी यही कहूँगा कि तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। ठीक अबू, अब मैं जाऊँ? ठीक है बेटा, जाइए। भाई मैं तो सोच रही हूँ अब अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दूँ। शबाना, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, उसे अपने फैसले खुद करने दिया करो, इससे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। और ऊपर से तुम शादी का कह रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली बहू उसे आके दबा के रखे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो फिर तुम मुर्तजा को यह एहसास दिलाओ कि अब वो बड़ा हो गया है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसे मैं अब अपने साथ काम पे ले जाया करूँगा। और वैसे भी लड़कों को चालाक होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। मेरा एनईडी में एडमिशन हो गया और पापा ने मुझे अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया। इसके अलावा आपकी कोई और एक्टिविटी नहीं थी? नहीं, मैं सुबह पापा के साथ उनके ऑफिस जाता और शाम में यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैं अपने कमरे में बैठ के फेसबुक पे चैटिंग करता था। आपका कोई दोस्त नहीं था? नहीं, अमेरिका में हमारे कुछ रिलेटिव थे जिनसे मैं रात को फेसबुक पे चैटिंग किया करता था। एक दिन फेसबुक पे मैं अपने कजन से चैट कर रहा था, मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई सोफिया नाम की, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया। फिर इसी आईडी से मेरे पास मैसेज आया, उसने मेरे सब्जेक्ट के बारे में मुझसे सवाल किया। तब मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसे रिप्लाई किया। उसको स्टडीज के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए थी जो मैंने उसे फराहम कर दी। फिर थोड़ी देर बाद मैं लॉग आउट हो गया।
दूसरे दिन वो मुझसे ऑनलाइन हुई और फिर हमारी रोज बात होने लगी। वो मुझसे पहले ही ऑनलाइन होकर मेरा इंतजार करती थी। अरे ये देख, जल्दी देख क्या मामा बॉय घेर रही हूँ यार। अरे वाह, जस्ट चेक आउट। और सुहेल का क्या किया तुमने? सुहेल कटा दिया उसको मैंने। एक तो पैसा निकालने में इतना कोई कंजूस कंगला। अब तो तेरा वीजा पक्का है। अरे वीजा तो तेरा भी पक्का है मेरे साथ साथ जाने में। अगले दिन जब मैं ऑनलाइन हुआ तो वो लड़की पहले से ही ऑनलाइन थी। वाह, सिर्फ तीन लोग? बहुत आयाशी कर ली बेटा। खेले खेले। अब कहाँ जाएगा ये तीन दोस्त बचकर? उम्र तो पूछ लो। और मेरी उससे चिटचैट शुरू हो गई। उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था और वो पहली लड़की थी जो मुझसे दोस्ती करना चाह रही थी। फिर मैंने उससे दोस्ती कर ली। मैं उससे रात में बातें किया करता था। दोस्ती हम जैसा। बस देख लो। मैंने पहली बार किसी लड़की से इतनी ज्यादा बातें की थी। वो जिस तरह मुझसे बात करती थी मुझे अच्छी लगने लगी थी। मेरा ख्याल रखना, मुझसे नरम लहजे में बात करना। मैं उससे सारी रात बातें करने लगा। मैं उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। एक दिन मेरा यूनि जाने को दिल नहीं किया। मैं शाम में ऑनलाइन हो गया तो वो पहले से ही ऑनलाइन थी। अरे ऑनलाइन है भाई। अभी तो यूनि जाने को दिल नहीं कर रहा। आगे आगे देखो, ये दिल कहीं का नहीं रहेगा। यार बंदा तो काफी स्मार्ट है। ये तस्वीर लगाओ उसकी। दिस वन। बातों बातों में उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? तो मैं घबरा गया क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी और मैं फौरन लग आउट हो गया। ऑफलाइन हो गया यार, बहुत शर्मीला। क्या ख्याल है?
बहुत मम्मी डैडी है, मुझे तो इससे प्यार हो गया यार। मोहब्बत मैं उस रात सो नहीं सका था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे लिए ये सब बिल्कुल अलग था। मैं सोच रहा था कि सोफिया कैसी होगी। पहली बार मेरा दिल इतनी जोर से धड़का था। फिर क्या आप उस लड़की से मिलने गए थे? अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि सोफिया ने ऐसी बात कर दी कि मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने बातों बातों में मुझे कहा कि मैं उसे अच्छा लगने लगा हूं। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। और उसने अगले रोज मुझे मिलने को कहा और मैंने हामी भर दी। क्या हो गया, चुप लग गई है इसको तो? ओहो, कोई तो रोक लो। अब देखते हैं, फौरन आएगा। सोफिया की मोहब्बत पर अंदाज की वजह से मैं दूसरे रोज उससे मिलने गया था। घर पर मैंने अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का बहाना किया था। अरे हाँ, इसने जो फेसबुक पे पिक लगाई थी तो बिल्कुल वैसा ही है। लड़का तो बहुत अच्छा है यार, हैंडसम। कैसे हो मुर्तजा? आप सोफिया? जी मैं सोफिया। अच्छा, वो फेसबुक पे तो आपकी कोई और पिक लगी हुई थी। यू नो आजकल क्या क्या हो रहा है और पिक्चर्स कहीं यूज भी हो सकती हैं, तो इसलिए नहीं लगाएंगी। और वैसे भी हर कोई आपकी तरह इतना अच्छा तो नहीं होता ना। ये गिफ्ट्स आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बैठे। आप कुछ बोल नहीं रहे, आपको पसंद नहीं आई? अरे नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। इसका मतलब मैं आपको पसंद आई हूँ? हाँ, नहीं वो, हाँ असल में मैंने जो सोचा था आप उससे ज्यादा अच्छी है। और मेरी फ्रेंड कैसी लगी आपको? ये शानिया है, शी इज माई गुड फ्रेंड। आप भी बहुत अच्छी है। मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था, मैं बहुत खुश था। वो बार बार मुझसे
इसमें क्या है? गिफ्ट है, घर पे जाके देख लेना। ओके, मेरे पास भी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो क्या? आज मेरा बर्थडे नहीं है। मगर तुमने तो कहा था कि आज तुम्हारी मेरा तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था, इसलिए। वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू। वाह यार, ये मुर्तजा तो बड़ा अमीर इंसान है। सही हाथ मारा है तूने। क्या करें यार, आपका तो कैलिबर ही कुछ ऐसा है। और वैसे भी जब मैंने उससे प्यार का इजहार किया था ना, तो मुझे बहुत मजा आया था। वाकई यार, ये लड़के भी ना बड़े बेवकूफ होते हैं। दो बातें क्या लड़कियां प्यार की कर लेती हैं, पटरी से ही उतर जाते हैं। उस दिन अगर मैं इमोशनल होने की थोड़ी सी भी ज्यादा एक्टिंग कर लेती ना, लिटरली वो रो जाता। आइडिया यार, तू भी उससे प्यार का इजहार करते। पागल हो गई है क्या? मर जाएगा बेचारा, और वो तुझे ही अफोर्ड कर ले, यही काफी है। कैसे संभालेगा दो दो को? लो जी, हो गया मौसूफ ऑनलाइन। एक दिन मैंने सोफिया को वेबकैम पर आने को कहा। कह दे अम्मी कमरे में, बाद में करूंगी। मगर उसने कहा कि रूम में अम्मी मौजूद है, इसलिए वो नहीं आ सकती। और उसने कहा कि मैं अम्मी के साथ मार्केट जा रही हूं। ला दे यार उसका नंबर, क्या याद करेगा किन लड़कियों से पाला। ओके, इट्स 0300 23। हेलो मुर्तजा, कैसे हो मुर्तजा? शानिया बात कर रही हूँ। शानिया? कौन शानिया? ओहो, इतनी जल्दी भूल गए। सूफिया की फ्रेंड शानिया। हाँ शानिया, कैसी हो, खैरियत? अच्छा ये बताओ मुर्तजा, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगे तो क्या करोगे? मतलब Thank you.
आपने शानिया को नहीं बताया था कि आप सुफिया से प्यार करते हैं? उस वक्त उसने मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड ज्यादा अजीज है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। प्लीज ऐसा मत बोलो। सोफी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ही से शादी करूंगा। तुम मुझसे क्यों दूर हो रही हो? तो क्या करूं मैं साफ साफ शानिया को बता दूंगा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। अरे जब मैं प्यार तुमसे करता हूँ तो उससे कैसे शादी करूं? मैं कैसे उसकी जिंदगी तबाह करूंगा? जरूरी नहीं है किससे प्यार किया जाए, शादी भी उसी से हो। मैं ये समझ लूंगी कि शायद शानिया मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है। एक तरफ सोफिया की शदीद खामोश मोहब्बत और कुर्बानी ने मुझे उसके मजीद करीब कर दिया था और दूसरी तरफ शानिया का मुसलसल मोहब्बत का एक्सट्रीम इजहार मुझे उलझा रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं। ये क्या है? बेटा, आपकी पसंद का बनाया कढ़ाई तो आप शौक से खाते हो ना? मम्मी, कढ़ाई मुझे पसंद जरूर है, मगर क्या ऐसे बनती है कढ़ाई? मैं नहीं खा रहा। देखा, अब खून गरम हो रहा है मेरे शेर का। जी नहीं, ये बदतमीजी है। अरे भाई, लड़कों को कभी कभी गुस्सा भी आना चाहिए, और वैसे मेरे ख्याल में अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये देखो, मैंने उसे वेबकैम ऑन करने को कहा तो उसने कहा कि वेबकैम ऑन करने की वजह से उसका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं पीछे छूट जाती हूँ, फिर मेरे इसरार पर वो राजी होगी। अब तो देख कि मैं कैसे एक्टिंग करती हूँ। अरे ऐसे नहीं निकालते, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। कुछ नहीं होता, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, तेरा तो गेम बना दिया ना मैंने, मुझे तो सोने का लॉकेट दिया था ना। लेट्स सी सब तुझे क्या देता है। क्या झक्की इंसान है, एक मिनट सुकून से नहीं रहने देता।
सुकून कैसे होगा हम जो चिपके हैं उसके साथ। ओ बीबी जी, एक घंटे की बात हुई थी, और कितना वक्त लगाएंगी आप लोग? जी जी, बस आधा घंटा और प्लीज। ठीक है, जल्दी करें। आप तो बहुत खुशकिस्मत थे ना कि आपको दो प्यार करने वाली लड़कियां मिली। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिले हो। शानिया, तुम्हें पता है कि सोफिया मुझसे मोहब्बत करती है, और मैं भी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे इतना पता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? दिल पर किसी का जोर नहीं होता मुतसा, और मैंने तो पहली ही नजर में तुम्हें अपनी जिंदगी मान लिया था, और मुझे अब तुम्हारे नाम की अंगूठी पहननी है। शानिया, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। ओप्स, अम्मी आ रही हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। टेक केयर माय लव। कितना मासूम लड़का है यार। बेचारा। सोफिया और शानिया दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार का इजहार करते थे। सोफिया शानिया के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, और शानिया मुझसे एक्सट्रीम मोहब्बत करती थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। दोनों मुझसे शदीद मोहब्बत का इजहार करती थी, खासकर शानिया की बातों की वजह से तो मेरा दिमाग शल हो गया था। मैं शदीद परेशान हो गया था। फिर मैंने सोफिया को वेबकैम ऑन करने को कहा। कर ले यार, वरना सुबह तक दिमाग खराब करेगा। चल सेट है, ओके। हेलो 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 सूफिया, अब अगर तुम लोगों ने यहाँ पे शोर किया ना तो बहुत पिटोगे। हेलो हेलो सूफिया, क्या हुआ? कौन था? कोई नहीं यार, तुझे पता तो है कजन आई हुई है, उसके बच्चे तंग कर रहे हैं, शोर कर रहे। हेलो हेलो सूफिया, सुमैया की भी ना अभी ही मौत हुई थी। हैंग हो गया फिर से, तुम्हें क्या टेंशन है? मुर्तजा तुम्हें लैपटॉप दिला देगा। वैसे यार इतने बेवकूफ लड़के तो
से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सूटेबल जगह है। और वैसे मुर्तजा, तुम्हारी गाड़ी में तो कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं रखा हुआ था। इतनी बातें कर रहे थे, याद ही दिलवा देते, कुछ खाने को तो ले लेते। हमें यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं भी यही सोच रहा था, हम यहाँ से पहले क्यों नहीं आए। सोफिया इधर आओ। देखो कितना अच्छा नजारा है। वाकई में बहुत खूबसूरत नजारा है। तुम्हें पता है सोफिया कि मेरे पापा मुझे अक्सर कहते थे कर लिए तुम लोगों ने। What? बहुत मजाक उड़ा लिया मेरा। अब जो मैं खेल खेलूंगा तुम लोगों के साथ, इसमें भी तुम्हें बहुत मजा आ। No, Murtaza, you can't do that. क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा सोफिया? यार मुझे तो इसकी कहानी झूठी लगी। लड़का हो या लड़की, किसी के एहसासात से नहीं खेलना चाहिए। यार ये टेक्नोलॉजीज है जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, आजकल लड़के लड़कियां सभी खराब हो रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तो इंसान पर डिपेंड करता है ना। खैर हमें इससे क्या, कहानी सच्ची हो झूठी हो, मुझे तो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए एक मज़ेदार कहानी चाहिए थी जो मुझे मिल गई।